हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेस और मैं हूं आपका आशीष सर। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट हुआ था। प्रेजेंट में हमने चारों सेंटेंसेस को पढ़ा था। सेंटेंस में क्या पढ़ा था, इंडिफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो वी हैव डन अबाउट दैट स्टडी एंड दैट वॉज रियली अ बेटर फॉर अस। और आज हम लोग किसकी बारी की बारी आती है, आज आती है प्रेजेंट के बाद पास्ट की बारी। तो पास्ट मतलब क्या होता है गाइस, एज वेल यू आर नोइंग दैट पास्ट मीन्स द टाइम विच हैज बीन क्रॉस्ड, दैट इज नोन एज अ पास्ट। वह समय जो बीत चुका है हम उसी को पास्ट बोलते हैं। मान लीजिए अभी एक घंटे पहले का जो समय बीता है अगर उसके बारे में हम बात करेंगे तो पास्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। किसकी बात करने वाले गाइस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। तो जस्ट थिंक ऑफ इट, व्हाट इज पास्ट इंडिफिनिट टेंस एंड इंडिफिनिट टेंस मीन्स। आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया था कि इंडिफिनिट मतलब क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो अनिश्चित किसे कहते हैं, अनिश्चित जो वाक्य निश्चित ना हो, जो शब्द भाव निश्चित ना व्यक्त करते हैं उसी को अनिश्चित कहते हैं। तो पास्ट मतलब भूत का भूत और इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित और टेंस का मतलब काल। तो इस तरह से इसका हिंदी क्या हो जाता है, अनिश्चित भूतकाल। क्या होता है, अनिश्चित भूतकाल। तो हम लोग अनिश्चित भूतकाल में आते हैं। अब आता है इसका क्या, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है गाइस, आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसका मतलब क्या होता है, पहचान होता है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, हम बताते क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरह के शब्द लगे रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। बट इन इंग्लिश हम क्या बताते हैं कि वेन ता था, ती थी, ते थे, दिस टाइप ऑफ वर्ड विल कम इन द लास्ट ऑफ वर्ब, देन वी शैल नो इट इज पास्ट इंडिफिनिट टेंस। नाउ यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट डाला है, हमें कंफ्यूज करने का टेंस होता है इंडिफिनिट, हमें गुमराह करता है। तो हम गुमराह ना हो इसके लिए मैंने नोट पॉइंट डाल दिया है क्या, कि सम टाइम इंस्टीड ऑफ ता था, ती थी, ते थे या ए ई कम इवन इट इज नन एट द पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा, सम टाइम इंस्टीड ऑफ ता था, ती थी, ते थे या ए ई कम इवन इट इज नन एज अ पास्ट इंडिफिनिट टेंस। कभी कभी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे ना आकर के उनके स्थान पर या ए ई भी आ जाता है तो भी वाक्य आपका क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो समझ में आएगा इस, फिर से पहचान पे कंसंट्रेशन कीजिए, वेन ता था, ती थी, ते थे, दिस टाइप ऑफ वर्ड विल कम इन द लास्ट ऑफ वर्ब, देन वी शैल नो इट इज पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब उसके बाद क्या होता है, सम टाइम इंस्टीड ऑफ ता था, ती थी, ते थे या ए ई कम इवन इट इज नोन एज अ पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो आ जाते हैं हम लोग किस पर, कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर में पहला सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सिंपल या पॉजिटिव, हम तीनों को बता चुके हैं आपको। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य, और इसका डिफिनेशन भी हमने आपको बताया कि अगर कोई पूछे कि साधारण वाक्य कैसे है तो हम क्या बता सकते हैं, वेन एनी काइंड ऑफ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव वर्ड विल नॉट कम इन द सेंटेंसेस, देन वी शैल नो इट इज पॉजिटिव सेंटेंस। तो हम हिंदी में क्या बताते हैं, जिस हिंदी वाक्य में किसी भी प्रकार का नकारात्मक अथवा प्रश्नवाचक शब्द नहीं आता है उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। तो क्लियर हुआ, अब पॉजिटिव में देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल के थ्रू में आप स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आदि चीजें लिखी जाती हैं। तो गाइज आपको इंडिफिनिट में हमेशा देखने को मिलेगा कि तीनों सेंटेंस के इंडिफिनिट डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बनाते हैं। अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट था। जबकि पास्ट में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। चलिए इसके एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे आपको समझाता था गाइस, वह आपको समझाता था, तो समझाता कौन था, वह समझाता था
तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट हो जाएगा क्या ही। समझता था तो अंडरस्टैंड, लेकिन समझाता था तो क्या हो जाएगा कॉजिटिव वर्ब यूज हो जाएगा। कॉजिटिव वर्ब मतलब जिसमें दूसरे से काम करवाने का भाव प्रकट होता है हम कॉजिटिव वर्ब कहते हैं। तो अब वो आपको समझाता था, वो समझाने का काम किसके लिए कर रहा था, आपके लिए कर रहा था। तो ही जब हम दूसरे को समझाने के लिए यूज करते हैं तो मेक आता है। मेक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है गाइज, मेड हो जाता है। ही मेड किसको मेड कर रहा है, आपको। तो ही मेड यू क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे पुजारी भक्तों में प्रसाद बांटता था ठीक है, पुजारी भक्तों में प्रसाद बांटता था तो कौन बांटता था, पुजारी। पुजारी की इंग्लिश क्या होती है भैया, प्रीस्ट होती है। क्या होती है, प्रीस्ट। अब उसके बाद क्या करता था, बांटता था। अब ऐसा बंटवारा तो हो नहीं रहा है कि हम उसको अलग अलग कर देंगे, अगर अलग अलग करना होता तो हो जाता है डिवाइड, लेकिन प्रसाद बांटना है तो जितने लोगों में पहुंच जाए उतना अच्छा है। तो जब प्रसाद बांटने की बात होती है तो होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट है तो सेकेंड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो प्रीस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड क्या बांट रहा है भैया, सैक्रामेंट। सैक्रामेंट किसमें, एमंग डेवोटी। ठीक है, नाउ इज दैट क्लियर, आई होप अफर्मेटिव क्लियर हो गया होगा। फिर से माइंड कीजिए, वह आपको समझाता था, समझाने का काम किसका हो रहा है, आपका। तो सबसे पहले कौन समझा रहा है, वह की इंग्लिश हो गई ही। उसके बाद समझाने के लिए क्या यूज करते हैं, मेड। क्या लगाते हैं, मेड लगाते हैं, तो ही मेड। अब उसके बाद किसको समझा रहा है, आपको, यू। समझाने की इंग्लिश क्या होती है, अंडरस्टैंड। ही मेड यू अंडरस्टैंड। फिर क्या है, पुजारी भक्तों में प्रसाद बांटता था तो कौन बांटता था, पुजारी। पुजारी की इंग्लिश क्या होती है, प्रिस्ट। और उसके बाद क्या करता था, बांटता था। बांटने की इंग्लिश होती है डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूट का है सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। क्या बांट रहे भैया, प्रसाद बांट रहे, प्रसाद की इंग्लिश क्या होती है, सैक्रामेंट होती है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड सैक्रामेंट किसमें, भक्तों में। अब दो लोगों की बात होती तो बिटवीन होता, दो से अधिक भक्त हैं इसलिए एमंग हो गया है, एमंग देवोटीज। समझ में आया, आई होप आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए गाइस हम आते हैं निगेटिव के एग्जाम्पल पर। जैसे मान लीजिए हो जाए कि वह रसोई में दलिया नहीं पकाती थी, तो कौन नहीं पकाता था, वह। अब यहाँ पे देखिए, पकाती थी, अगर पकाता था होता तो क्या होता, किसी मेल की बात की जा रही है, पकाती थी, इससे मालूम पड़ रहा है कि फीमेल है, और फीमेल है तो वह की इंग्लिश क्या हो जाती है, सी हो जाती है गाइस। क्या होती है, सी। अब उसके बाद यहाँ पे निगेटिव वर्ड आ गया तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डिड। डिड के तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट। तो सी डिड नॉट करती क्या है, पकाती है। पकाने की इंग्लिश क्या हो जाएगा, कुक। सी डिड नॉट कुक। क्या पका रही भैया, दलिया। दलिया की इंग्लिश क्या होती है, पोरीज। सी डिड नॉट कुक पोरीज। बनाने का स्थान कहाँ है, रसोई में है, इन किचन। ठीक है, जैसे उसने वोट नहीं डाला, भाई चुनाव का प्रक्रिया चल रहा है, चुनाव जोरों पे है, बस एक दो दिन में आपका वोट पड़ने वाला है ना, तो बता रहे हैं कि उसने वोट नहीं डाला, तो किसने नहीं डाला, उसने, ही हो गया। अब ही हो गया तो सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, डिड। ही डिड, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट। ही डिड नॉट क्या किया, डाला, कास्ट वोट। ही डिड नॉट कास्ट वोट। जैसे मान लीजिए हो जाए, विक्रमादित्य ने कभी
निर्दोष व्यक्तियों को दंड नहीं दिया, ठीक है? क्या हो जाता है? विक्रमादित्य ने कभी निर्दोष व्यक्तियों को दंड नहीं दिया, तो कौन नहीं दिया? विक्रमादित्य। तो लिखते हैं हम क्या? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। अब चूंकि निगेटिव सेंटेंस है और दिया क्या है? कभी नहीं दिया। कभी नहीं का मतलब होता है क्या? नेवर। तो विक्रमादित्य नेवर जब भी वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट में नेवर का प्रयोग होता है तो निगेटिव होते हुए भी वाक्य में हम क्या करते हैं? सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। तो विक्रमादित्य नेवर क्या किया है? दंड दिया है। दंड देने की इंग्लिश क्या होती है भैया? पनिश होती है। क्या होती है? पनिश। तो पनिश में हम क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि सहायक क्रिया नहीं लगी ना, तो विक्रमादित्य डिड नॉट पनिश नहीं होगा, बल्कि विक्रमादित्य नेवर पनिश्ड। किसको? निर्दोष व्यक्तियों को। नेवर पनिश्ड इनोसेंट इनोसेंट पर्सन या पीपल विक्रमादित्य नेवर पनिश्ड इनोसेंट पीपल। आप यहां देखिए, मैंने इनोसेंट लगाया है तो इनोसेंट वर्ड है, तो यहां पे आप आर्टिकल एन भी यूज कर सकते हैं, तो क्या होगा? विक्रमादित्य नेवर पनिश्ड एन इनोसेंट पीपल। कुछ बच रहा है इसमें? नहीं बच रहा है। तो नेगेटिव क्लियर हो गया गाइस? चलिए, नेगेटिव क्लियर हुआ तो आप सेंटेंस को सिर्फ देखिए मत, समझिए भी, समझने के बाद प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको 1, 2, 3 एग्जांपल बता रहा हूँ, आप 4, 6, 10 कीजिए। तब तक एग्जांपल अपने मन से क्रिएट कीजिए, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए जब तक उस पर आपका एक अधिकार ना बन जाए। जब आपको लगे कि नाउ एनीवन कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, देन यू कैन रिप्लाई देम, तो दैट इज क्वालिटी। देन यू शुड स्टॉप एंड रीड अनदर सेंटेंसेस। तो डेफिनेटली आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा, आप इसको अच्छे से कंसंट्रेट किए, तो अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस बनाइए, कुछ सेंटेंसेस पर आप कंसंट्रेट कीजिए और डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। आई होप कि आप लोग जैसे मेहनत कर रहे हैं, जैसे लगन से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो नो वन कैन स्टॉप योर गुड रैंक इन योर एग्जामिनेशन, बिकॉज ऑलवेज माइंड दैट इफ यू हैव अ टारगेट देन डेफिनेटली यू हैव टू डू हार्डवर्क। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपको उसके लिए संघर्ष करना है, क्योंकि लक्ष्य ऐसी चीज है कि बिना उसके हम संघर्ष कर ही नहीं पाते, हम एकदम आलसी से हो जाते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल और सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो अपने उस सफलता की तरफ बढ़ना है तो टारगेट को दिमाग में रखो, टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू करो। जैसे अब इंट्रोगेटिव पे आते हैं कि आप मुझसे झूठ क्यों बोलते थे, आप मुझसे झूठ क्यों बोलते थे, ठीक है, हो गया। आप मुझसे झूठ क्यों बोलते थे, तो सबसे पहला ऑप्शन की क्यों, यहीं से क्वेश्चन बन रहा है, इस क्यों को उठा लाइए बाहर, क्यों आएगा बाहर तो क्या हो जाएगा, वाई। अब उसके बाद इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है गाइस? डिड होती है। वेरी गुड। वाई डिड कौन? आप। आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू। वाई डिड यू? करते क्या थे? बोलते थे। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि यहां वर्ड आ रहा है झूठ। जैसे ही वाक्य में झूठ का प्रयोग हो जाए तो बोलने के लिए बिना सोचे समझे हमें क्या लगाना होता है? टेल। क्या लगाना होता है? टेल। वाई डिड यू टेल क्या? अ लाई। वाई डिड यू टेल अ लाई टू मी? किससे बोल रहे भैया? मी ना। वाई डिड यू टेल अ लाई टू मी? जैसे नेक्स्ट देखिए, हम उसके साथ बाजार होते हुए मंदिर क्यों गए? क्यों गए? अब देखिए आपके सामने सेंटेंस आ गया ना, क्या? कि हम उसके साथ बाजार होते हुए मंदिर क्यों गए? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? क्यों गए? क्यों पूछ रहा है तो सबसे पहले क्यों को उठा लाइए बाहर,
क्यों हो गया? अब फिर टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? डिड। गया कौन है भैया? हम गए हैं ना, तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। वाई डिड वी? उसके बाद जाने की इंग्लिश गो। वाई डिड वी गो? कहाँ जा रहे हैं? टू टेम्पल। वाई डू वी गो टू टेम्पल? आफ्टर दैट गाइस, वाई डिड वी गो टू टेम्पल? कैसे? बाजार होते हुए, वाया मार्केट, वाया मार्केट विथ हिम। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग करते क्या है, मोर इंट्रोगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के साथ चलते हैं। जैसे लिखिए कि माली भगवान के लिए माला क्यों नहीं बनाया? गाइज माइंड अबाउट दिस वन, आपको निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आ रहा है तो डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है बहुत पैनिक होने की, केवल कंसंट्रेट करना है, कंट्रोल करना है, डेफिनेटली यू कैन डू वेल। ठीक है, जैसे ही निगेटिव वर्ड आ जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद उसको लगा देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करना है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है गाइस? वाई। और उसके बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो वाई डिड माली, माली की इंग्लिश क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है बताइए? माली की इंग्लिश होती है गार्डनर। गुड, गार्डनर। वाई डिड गार्डनर, फिर निगेटिव वर्ड आ रहा है तो नॉट। करता क्या है भैया? बनाता है। बनाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? मेक। क्या हो जाएगी? मेक। व्हाई डिड गार्डनर नॉट मेक? क्या बना रहा है? गार्लैंड। ठीक है, व्हाई डिड गार्डनर नॉट मेक गार्लैंड? किसके लिए? फॉर गॉड। ठीक, इज दैट क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव, इज दैट क्लियर? आप गेस कीजिएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में इंट्रोगेटिव से ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, केवल हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना होता है। आई होप गाइज डेफिनेटली यू हैव गॉट दिस सेंटेंस इन प्रॉपर वे, यू हैव यूज इट ऑल वेल एंड दैट इज गुड चैलेंज। जस्ट गाइज कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, आई एम गिविंग यू हैंड, आई एम शोइंग यू वे, यू हैव टू डू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर सिलेबस। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होती है, जहाँ भी समस्या होती है, आप कमेंट कीजिए, आपकी समस्या को देखा जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, जैसे हो सकेगा आपको हम सेटिस्फाई करेंगे, पूरी तरह से समझाएंगे गाइस। तो आप अपने वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए गाइस, क्योंकि जितने लोग पढ़ेंगे, जिनको आपसे लाभ होगा, डेफिनेटली वो आपको आपके ओबलाइज होंगे, आपके रेडी होंगे, वो मानेंगे कि आपकी वजह से उन्हें भी कुछ पढ़ने को मिला है। तो आप अपने चैनल को अब भी सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर डालिए गाइस। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें जो समस्याएं होंगी हम लोग उसे बदलने की कोशिश करेंगे, आपके सामने अच्छे से अच्छा बेहतर परफॉर्म दिया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड गुड नाइट।